हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, मेरी स्माइल से पता चल गया होगा वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। बताऊं क्या है, मेरी फेवरेट है। पीएम मोदी वॉचेस एकला चालो रे, प्रेजेंटेड बाय उषा उत्तप इन कोलकाता। तो फ्रेंड्स, बताऊं क्यों मेरा फेवरेट है। एक तो नेताजी के ऊपर है, दूसरा ये जो गाना है ये मेरा फेवरेट है। मैंने जब ये पहली बारी सुना था ना, उसके बाद मैं दीवानी हो गई थी। मैं दिन रात नॉन स्टॉप चलाती थी, और कभी भी मुझे ऐसे लगता है ना कि कभी कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ, मतलब उस टाइप से, तो मैं ये लगा लेती हूँ। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वही करो जो ठीक है, चाहे कोई आपके साथ है नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, जब आपका हाथ बोल रहा है ये बात ठीक है तो उसी पे अमल करो और चलते चलो। और मैं ये कह रहा था कि इन्होंने सारे बहुत ही वेस्टर्नाइज मॉडर्न तरीके से मतलब लाए हैं कि उषा उत्तप जो हैं, अब तो वो काफी, उनकी एज मुझे पता नहीं, हमारे जमाने में उनके जबरदस्त सॉन्ग्स आते थे। उन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया था इंग्लिश सॉन्ग्स का, विच इज अमेजिंग। वो पायनियर हैं उस मामले में कि आप, अगर आपने कभी भी न्यू ईयर्स ईव में सुनना है इंग्लिश सॉन्ग, तो उषा उत्तप जी आती थी, तो इट्स वेरी नाइस। बहुत मजा आएगा सुन के ये सॉन्ग। वेरी नाइस। पर मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये सॉन्ग तो मैं अभी भी जब कार में लगाती हूँ ना, और ऋषि को मैं जितनी बारी लगाती हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं उसको सुनाती समझाती रहती हूँ एक एक लाइन, तो वो कई बारी कहता है कि मॉमी हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू टेल मी दिस। मैं कहती हूँ जितनी बारी मैं तेरे सामने लगाऊंगी मैं तेरे को बताती रहूंगी। समझ में आ गई, ये मेरा फेवरेट है, इसमें अमल करना है तुमने भी अपनी लाइफ में। तो क्योंकि आजकल पीयर प्रेशर बड़ा होता है ना कि भैया दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों के साथ करना है, ये नहीं करना क्योंकि वो पता नहीं क्या सोचेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों को बताना। अब हम तो बताते रहते हैं, वो अमल करेंगे नहीं करेंगे ये तो दूसरी बात है, पर हमारा तो फर्ज है बताना। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर गाना है, इतना बोल लिया आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कितना फेवरेट है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए, डेफिनेटली पसंद आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चे वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को कितना प्राउड फील हो रहा था कि मैं, हम लोग मोदी जी के सामने करें, प्राइम मिनिस्टर के सामने वो आए हैं। तो ये रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी बड़ी बिंदी और उस टाइप से जो करती है ना, आई लव इट। कितनी सारी रिंग्स पहनी है सारी उंगलियों में, वाओ। मोदी जी बड़े गुस्से में है, सीरियस है। You walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, if no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind, and
walk on all the road. Speak out all the words you have in mind and walk on all the road. Jodi tor dakshuni keu na ashe tobe ekla cholo re. যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে. If there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে. ब्यूटीफुल है, मोदी जी ने पूरा ऐसे किया है. और वो दूसरी जो बैठी है वो ममता, वो फोन पे है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड. कितना डिफरेंस था मोदी जी का रिएक्शन और ममता ने केयर ही नहीं की. बहुत अच्छा किया. अरे एक और है, अरे डबल मजा. वाह, अरे वाह वाह, वंदे मातरम, वंदे मातरम. देश को सलाम, सलाम देश को प्रणाम, আমাদেরে বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি. সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি. Thank you.
तो स्नेह कोथाए केले पावे के हो ओ मा तोमार चरण दुटी बुखे आमार धरे ओ मा तोमार चरण दुटी बुखे आमार धरे आमारे देशेते जन्म जन देशेते बोले एमन देशटी कोथाओ खुजे पाबे ना गो तुमि सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि सेजे आमार जन्मभूमि सेजे आमार जन्मभूमि जागा हुआ जागे है चांद सितारे रोशन हुआ है दिल मेरा सुभाष जी हमारे सुभाष जी हमारे चंद्र सूर्य ग्रह तारा कोथाए उजर एमन धारा কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জেগে সবাই মিলে একসাথে এমন দেশি কোথাও খুঁজে পাবে না কোনি দেশে পাবে জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি फ्रेंड्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोनों ही गाने बहुत ही सुंदर थे और जो एंड में उन्होंने किया क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी पर वो फीलिंग पूरी कम्युनिकेट हो रही थी और इतना सुंदर था। पता है मैं इस वीडियो में भी क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी अगर सोचो कि जो वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता जी हैं वो गुमनामी बाबा थे, समझो अगर ये बात सच हो, अगर इस टाइप के फंक्शंस उनके टाइम में हो रहे थे, वो गुमनामी बाबा हैं पर उनको ये पता चले कि उनके रिस्पेक्ट में उनकी याद में पूरी कंट्री के हर प्लेस में हर स्टेट में इस टाइप की उनके बनाई जा रही है तो कितने खुश होते, कितना उनको प्राउड फील होता कि जिस कंट्री के लिए मैंने इतनी सैक्रिफाइसेस की वो कंट्री मुझे भूली नहीं है। पर मैं ये सोच के बहुत दुखी हो रही थी कि अगर वाकई में वो वहां थे तो उनको क्या, वो क्या सोचते होंगे हर दिन हर सेकंड कि मैंने इस कंट्री के लिए इतना कुछ दिया, मुझे याद तक नहीं करते ये लोग, पता ही नहीं उनको मेरे बारे में, दुख तो होता होगा। तो मैं तो इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता कि वो गुमनामी बाबा थे, मैं इस अगर में थे मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि वो एक लीडर थे, वो बहुत ही कैरिस्मेटिक थे, बहुत ही मैं कहूँगा जो लीडर होता है कैरिस्मेटिक होता है जो लीड करता है वो नॉर्मली ऐसे रोल में नहीं जाता, वो बहुत ही अपने अपने दम से वो आगे बढ़ रहे थे, वो इंडिया को आगे लेके जा रहे थे, कुछ हुआ होगा
मगर वो इस टाइप का मेरे हिसाब से तो ऐसा पैसिव रोल नहीं रखेंगे। वो इतने पावरफुल थे, इतने स्ट्रांग थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने स्मार्ट थे, वो इस रोल में नहीं रहेंगे। वो लीडर थे, लीडर हमेशा आगे आता है और कंट्री को लीड करता है, या तो वो रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, पर कई चीजें उसमें वो बताते हैं कि उनकी राइटिंग्स में जो चीजें थी पर्सनल, वो अपना वही थी। तो वही, और लोग मिलने भी आए हैं उनको, उनके जो फैमिली मेंबर्स भी मिलने आए। तो एक कमीशन थी जिसने कहा था वो कंफर्म्ड है कि वो नहीं है। तो मुझे इसका नहीं पता, मतलब मैं तो इतना कहूंगा कि अगर कोई इंसान जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वो बहुत ही स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, पावरफुल थे, लीडर थे, लीडर ऐसे नहीं जाता। वो बोलेगा मैं लड़के जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं कंटिन्यू करके जाऊंगा। नहीं, मैं सोच रही हूँ, हो सकता उन्हें लगा हो कभी जिसके लिए मैं, जिस चीज के लिए मैंने लड़ना था अपनी देश की आज को आजाद करने के लिए, वो अब मिल गई है तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कंट्री के लिए, जो कंट्री के लिए डेडिकेटेड है वो कभी जाता नहीं है। वो डेडिकेटेड जो है कंट्री के लिए, वो कंट्री की हेल्प करता रहता है। वो कहते हैं चलो मैं आर्मी को स्ट्रांग बनाता हूँ, चलो मैं एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाता हूँ, चलो मैं अलायंस करता हूँ। काम कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, देशभक्त है, वो हमेशा काम करता रहेगा। वो ऐसा नहीं कि मैं ये छोड़ छाड़ के अब बाबा बन जाता हूँ, नहीं, वो बोलेगा मैं काम करता रहूँगा अपने देश के लिए। और तो मेरा तो यही सोच है कि जो डेडिकेटेड है, जैसे अगर आप डेडिकेटेड हैं भगवान के लिए, अब ये थोड़ा हो जाएंगे भगवान को छोड़ दूंगा, आप 24 घंटे भगवान को डेडिकेटेडली आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उसी तरीके से देशभक्त है वो हमेशा देश की करता रहेगा। जब तक उसमें जान है वो देश की ही करता रहेगा सेवा, छुप छुप के नहीं करेगा, बोल्ड होके करेगा। क्योंकि इसमें छुपने वाली बात क्या है, आप बोल्ड होके धड़ाके से लोग देश की सेवा करते हैं, ये कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है। और जो इतने महान थे, कहाँ लीडर थे, कहाँ नंबर वन बनने वाले थे, तो मेरे, मैं तो उसे बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ उनको हुआ था, स्पाइज एजेंसीज ऑल द वर्ल्ड ने कुछ किया है, मोस्ट लाइकली जैसे कहते हैं उनका देहांत हो गया था, मुझे ये लगता है। वरना ऐसा कैरिस्मेटिक लीडर कभी ऐसे आप उसको सब्ड्यू नहीं कर सकते। अब ये तो सच्चाई तो पता नहीं कब पता चलेगी, पर मेरी सोच यही थी कि अगर थे तो भी और अगर नहीं थे तो भी, उनकी बहुत पहले से आजादी के टाइम से ही ऐसे धूमधाम से, सिर्फ यही नहीं, हर जगह पे उनकी सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। तो होप तो यही है कि अब ये शुरू किया गया है तो अब हर साल ऐसे उनकी सेलिब्रेशंस हो, और एक ही जगह पे नहीं, कोलकाता में ही नहीं, अब हर स्टेट में, अपने हर स्कूल में, हर जगह पर उनकी जो है इस टाइप से उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनकी इवेंट जो है वो सेलिब्रेट होगा। मैं तो यही होप करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।